नंबर सेवेंथ, थ्री ब्रैकेट के अंदर टी माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव ब्रैकेट में टू टी प्लस वन। इसको भी वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये तो और इजी है क्वेश्चन हमें, तो यहाँ पर थ्री को अंदर कर देते हैं तो थ्री थ्री टी हो जाएगा। ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो थ्री टी और थ्री थ्री नाइन, तो माइनस नाइन इज इक्वल टू, पहले तो ये क्वेश्चन तो और जो हमने करे उससे भी ईजी है, फाइव टू ज़ा टेन हो जाएगा, ये टेन टी हो गया। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा अपने पास में, टेन टी, फाइव वन जा फाइव हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेशन आप वेरिएबल्स हैं कॉन्स्टेंट टर्म कर देते हैं, तो टेन को इधर दीजिए तो ये थ्री टी हो जाएगा, थ्री टी माइनस टेन टी ये इधर आ गया है, और नाइन को इधर कर दीजिए तो फाइव पहले से था, नाइन माइनस का इधर आया था प्लस हो जाएगा ये। अब थ्री टी में से टेन, थ्री में से टेन सबट्रैक्ट हो तो कितना माइनस सेवन बचेगा, ये माइनस सेवन टी हो गया, और इधर कितना है फाइव प्लस नाइन कितना जाएगा फोर्टीन हो जाएगा ये। माइनस का नेगेटिव साइन इधर है तो इसको हम क्या कर देते, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते पूरे इसको, तो थ्री टी तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस फोर्टीन हो जाएगा। अब सेवन का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तो माइनस फोर्टीन अपॉन सेवन हो जाएगा, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन हो जाएगा ये माइनस का इस प्रकार से। तो टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, टी माइनस टू आ गया ये इस प्रकार से टी की वैल्यू हमारे पास माइनस टू आ गई है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको आंसर चेकिंग में कर लेते हैं। तो आंसर चेकिंग हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर चेकिंग में हमारे पास में जो है इसको हम टी की वैल्यू, तो एल एच एस हमारे पास में क्या दिया है, ये एल एच एस दिया है, तो एल एच एस जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो एल एच एस हमारे पास में क्या है, थ्री ब्रैकेट के अंदर कितना है, टी माइनस थ्री दिया है ये। अब हमारे पास में कितना है, थ्री है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है ये, टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस टू आई है, ये माइनस टू और माइनस थ्री इधर है, सॉल्व कर लेते हैं तो ये थ्री और यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस एडिशन साइन विल भी माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, ये इस प्रकार से आपको आना चाहिए ये। अब कितना हो जाएगा, थ्री फाइव द फिफ्टीन, तो ये माइनस फिफ्टीन इस प्रकार से। किसकी वैल्यू है, एल एच एस की। अब आर एच एस को भी वैसे कैसे कर देते हैं, तो आर एच एस की वैल्यू भी कितनी, माइनस फिफ्टीन आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। ये फाइव अपनी जगह पर दिया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे टू, और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस टू दिए ये। अब यहाँ बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में हमने लग दिया, और फिर उसके बाद क्या दिया, प्लस वन दिया है, ये प्लस वन दिया है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दो, सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टू माइनस टू टू ज़ा फोर कितना, माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर प्लस वन, तो माइनस फोर प्लस वन दिखा देते हैं, हम शो कर देते हैं ये, तो माइनस फोर प्लस वन, माइनस फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री ये, तो माइनस थ्री, माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन। अब देखो एल एच एस भी हमारा माइनस फिफ्टीन आ गया है और आर एच एस माइनस फिफ्टीन आ गया है, तो ये लिख देंगे सिंस थर्स करके लिख देते हैं, थर्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ये, और एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड और आवर आंसर इज राइट। ये जो आंसर माइनस टू निकाला था, और आंसर इज राइट।